नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं 15 जनवरी 2022 के राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करेंगे सुबह के संचित पांचांग से। सूर्योदय होगा 7:15 AM पर, सूर्यास्त होगा 5:46 PM पर। तिथि है त्रयोदशी, नक्षत्र है मृगशिरा, योग ब्रह्म, वार शनिवार, पक्ष शुक्ल पक्ष, चंद्र राशि वृषभ, 10 तक उसके बाद मिथुन और अभिजीत मुहूर्त 12:09 PM से लेकर 12:51 PM तक। राहु काल है 9:52 AM से लेकर 11:11 AM तक। ये था सुबह का संक्षिप्त पांचांग। अब हम बात करेंगे आपके राशिफल की। जैसा कि मैंने बताया, यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं। आज आपका जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक। और आज का दिन विशेष दिन है। आज दान पुण्य करिए अपनी राशि के अनुसार, और क्या दान पुण्य करना है इसका वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर, आप देख लीजिएगा। आप में से जो भी लोग आज के विशेष दिन ये रक्षा कवच से भी बड़े दो रत्न हैं, जिनको मिलकर रक्षा कवच से भी बड़ा कवच बनता है, अगर आप लेते हैं, यानी कि ये लाजवर्त और एडी का कॉम्बिनेशन, तो आपके जीवन में खुशियां और सफलता तो आएंगे ही आएंगी। एक शुभ पर्व होने की वजह से हम आपको इसके साथ में एक सूर्य यंत्र भी गिफ्ट दे रहे हैं, जो लोग आज इसका ऑर्डर करेंगे। L51 लिखिए और सारे दुखों को मिटाइए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाइए और साथ में भगवान सूर्य के आशीर्वाद से और तरक्की पाइए। तो जल्दी ऑर्डर करें, आज अंतिम दिन है इसकी बुकिंग का। बात करते हैं मेष राशि की। आज आप थकान और आलस के शिकार होंगे, आपके आत्मविश्वास में फिर भी बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा लिया गया हर एक निर्णय आपसे कठिन मेहनत करवाएगा, आपको धन कठिन मेहनत से प्राप्त होगा, जीवन साथी से संबंध मधुर बने रहेंगे, संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, विद्यार्थी जन अपने उद्देश्य में सफल रहेंगे, आपके जो उच्चाधिकारी हैं वो आपके साथ होंगे, सभी संबंधों का आप फायदा उठाते हुए अपने रुके हुए काम को पूरा करने में सफल रहेंगे, रोजमर्रा जिंदगी में छोटे छोटे अवसर जो नहीं मिलते हैं वो आज आपको मिल जाएंगे। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी, आर्थिक सलाह की आपको जरूरत पड़ सकती है या आर्थिक सलाहकार की जरूरत पड़ सकती है, जिससे आप अपना जो फंड है उसको सही तरीके से मैनेज कर सकें। और आपको सलाह दी जाती है कि आज बड़ी सादगी से दिन बिताइएगा और थकान और आलस से मुक्ति पा लेने के बाद आप बहुत अच्छे रिजल्ट पाएंगे। आज आपकी बिगड़ी हुई स्थिति सुधर सकती है। हम बात करेंगे वृषभ राशि की। आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जो बहुत ही मुश्किल होंगे, छोटी मोटी यात्राओं में लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, कोई वाहन वगैरह खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसे स्थगित कर दें। आपके संबंध जीवन साथी से थोड़े से तनावग्रस्त हो सकते हैं। आज के दिन कोई रिश्तेदार आपको शुभ समाचार सुना सकता है, ऑफिस के काम से बाहर जाने की योजना बन सकती है, अचानक से ढेर सारा धन लाभ हो सकता है, कोई करीबी या कोई चाहने वाला या कोई अपना आपको गुमराह करके आपके पैसे को ठग सकता है, दूसरों की राय को नजरअंदाज ना करें। आज शाम के वक्त कुछ ऐसा भोजन ना खाएं जिससे रात को वो हजम ना हो, और आज शाम को अपने प्रियतम के साथ बढ़िया वक्त बिताने वाले हैं और हनुमान जी की कृपा से सब कुछ बेहतर होगा और परिवार के लोग आपको प्यार देंगे। बात करेंगे मिथुन राशि की। आज सप्ताह का एक बेहतरीन दिन है, निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापारियों को आज अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं, शेयर मार्केट में निवेश किया जा सकता है, आप आत्मनिर्भर होंगे, कुल मिलाकर सारा दिन प्रसन्नतापूर्वक बीतेगा, सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ के लिए जाएं तो और भी बेहतर रहेगा। आज नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, नए रिश्तों का आरंभ हो सकता है, आज नए तरीकों को अपनाकर सफलता पाई जा सकती है, आज आप चुटकी भर में किसी भी समस्या का हल निकाल लेंगे, आज किसी भी वजह से आप परेशान नहीं होंगे, अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बना कर रखें, समय की पाबंदी को देखते हुए आप काम करें और जितना कम से कम हो सके घर से बाहर जाएं, घर पर बैठे बैठे ही आप बड़े काम कर लेंगे,
एक अच्छा दिन है सफलता पाने का। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। आज आपका व्यय आपकी आमदनी से अधिक होगा, खर्चे सोच समझ कर करें, नहीं तो आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहन से नुकसान होने की संभावना है। जीवन साथी से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें। आपके घर में अनचाहे काम हो सकते हैं, अनचाहे रिश्तेदार आ सकते हैं, मन मुताबिक काम ना होने की वजह से आप परेशान रहेंगे। आज किसी एक ऐसे व्यक्ति की सलाह से आपका काम बन सकता है जिसकी सलाह आपके बहुत काम आ जाए, और आपने कल्पना भी ना की हो कि आपका ये व्यक्ति जिससे कभी आपकी आज तक ना बनी उसने आज आपको ऐसी सलाह दे दी और आपका काम बन गया। तो सभी सलाहों पर नजर जरूर डालिएगा। आज का दिन तरक्की तभी कर पाएंगे जब सोच विचार करके काम करेंगे। पैसा निवेश करना चाहते हैं तो लंबे इन्वेस्टमेंट करिए, छोटे इन्वेस्टमेंट में आप फंस जाएंगे। और यदि आप किसी निवेश की सोच रहे हैं तो भविष्य को जरूर सोचिएगा, परिवार को जरूर सोचिएगा। छोटे मोटे निवेशों में आज दिन बुरा साबित होगा। सिंह राशि की बात करें तो आय और व्यय समान रहेगा। आपकी आय व्यापार के लिए दिन सामान्य है। प्रेम संबंधों के लिए में सुधार होगा, और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके साथ के जो दोस्त यार हैं उनके साथ ग्रुप स्टडी करके आप अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे। घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे स्थगित कर दें। आज का दिन अच्छा बीतेगा बशर्ते आप तनाव से दूर रहें। सेहत ठीक रहेगी, मानसिक शांति जरूर मिलेगी। छात्रों को अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। आज किस्मत आपके साथ रहेगी और कारोबार में बढ़ोतरी होने वाली है। खर्चे पर थोड़ी नजर बना के रखिएगा। ऑफिस के काम आज आपको घर पर ही बैठकर करने पड़ सकते हैं। रिश्तेदारी में चल रही कोई पुरानी प्रॉब्लम का हल हो सकता है। आप गणेश जी की कृपा से सभी मुश्किल कामों को निपटाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो आज आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा, आप अपनी चिंताओं से मुक्ति पा लेंगे। आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपको महत्वपूर्ण लोगों का साथ और सहयोग प्राप्त होगा जिससे आपका कार्य और बेहतर होता चला जाएगा। अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी अध्ययन कार्य में एकाग्रचित रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के नाम पर संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन साथी की तरक्की होना संभव है। आप अपने कार्य में व्यस्त और मस्त रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे, जीवन साथी के साथ संग अच्छा वक्त बिताएंगे। आज आप सभी महत्वपूर्ण निर्णय समय पर लेकर सभी कार्यों को पूरा कर लेंगे। आपके संबंधों में बड़ा ही मिठास रहेगा, जीवन साथी का सहयोग रहेगा, साथियों के साथ अच्छा समय बीतेगा, भावनात्मक रिश्ते बढ़ेंगे आगे और भविष्य की योजनाएं बनेंगी। मन में थोड़ी सी चिंता रहेगी, व्यवसायिक बाधाएं कम आएंगी, प्रतिस्पर्धा में आप जीत जाएंगे, काम का बोझ पहले से थोड़ा अधिक बढ़ेगा। तुला राशि की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ है। आप अपनी उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे, आपका भाग्य आपका निरंतर साथ देगा। आप अपने जीवन साथी से संबंध बिगाड़ सकते हैं, लेकिन सावधान रहें अन्यथा भविष्य में कड़वाहट बढ़ सकती है। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, बच्चों को कोई अच्छा रिवॉर्ड या अवार्ड मिल सकता है। आज आपको हैरानी होगी कि आपने उस समस्या को सुलझा लिया जो काफी दिनों से सुलझ नहीं रही थी, तो इससे दिल में खुशी जागेगी। लोगों के बीच में आपकी थोड़ी सी वाहवाही हो जाएगी। आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, अपने बॉस वगैरह से ज्यादा बातचीत ना करें। ज्यादा बातचीत करने में कोई गलत शब्द निकल सकता है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो बढ़िया रहेगा। पूरी मेहनत और गंभीरता से अगर आज आप काम करेंगे तो घरेलू और बाहरी काम अच्छे से निपट जाएंगे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय, घर के छोटे बड़े काम करते समय सतर्कता रखते हैं। आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें, कुछ अनावश्यक तनाव हो सकता है, अनावश्यक वाद विवाद से बचें। कुछ अशुभ समाचार मिलने से निराशा हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य है। आज का दिन बेहतरीन बीतने वाला है। आज बच्चे बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करेंगे। शॉपिंग जाने की सोच रहे हैं तो कैंसिल कर दें, अचानक से कोई मेहमान मिलने आ सकता है। सीनियर आज आपके काम से खुश होंगे, आप मीठा बोलकर अपना काम पूरा करवा लेंगे। धनु राशि की बात करें तो आज आप जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम दिन है। निश्चित रूप से आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा, रोमांटिक मूड होगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अनुकूल है, व्यापारियों को नए साझेदार मिल सकता है, उन्नति होने के आसार हैं। यह समय जमा पूंजी बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिएगा और अगले आने वाले दिन भी मत कीजिएगा। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खाने पीने के मामले में सावधान रहें, रोजाना नियमित व्यायाम करते रहें, किसी महिला को सताए नहीं, महिलाओं से अच्छा व्यवहार रखें।
आज आपकी दिनचर्या में परिवर्तन होने की जरूरत है, कुछ अपनी बुरी आदतों को छोड़िएगा तो बेहतर रहेगा। आज आपसे जो लोग नाराज हैं उनसे आप माफी मांग सकते हैं। छोटी मोटी नोक झोंक आज परिवार में लोगों के साथ चलती रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त करने का अच्छा दिन है। मस्ती भरी यात्रा आपको सुकून देगी। माता पिता से महत्वपूर्ण विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं सुखद रहेंगी। अपने मूड को नियंत्रित रखिए। आज हाथ में आया हुआ कोई भी अवसर खोना नहीं चाहिए। दिन बहुत बढ़िया है। सभी प्रयासों को, सभी विवादों को आज आप निपटा सकते हैं। हम बात करेंगे मकर राशि की। आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास से करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। पारिवारिक या सामाजिक उत्सवों में भाग लेने जा सकते हैं। व्यापारी लोग व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा पर जाएंगे, लेकिन यात्रा सफल नहीं रहेगी। अगर यात्रा करने से पहले ही बात कर ले तो शायद यात्रा करनी ही ना पड़े। खिलाड़ियों को आज मनपसंद लाभ हो सकता है। व्यवसाय में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपका कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। आप अपनी ताकत से आगे बढ़ेंगे। आज अचल संपत्ति व्यवसाय में कमाई जा सकती है और व्यवसाय को बड़ा करने के बहुत सारे मौके आएंगे। आप बढ़िया खरीदार होंगे, बढ़िया बेचने वाले होंगे। जमीन या भूमि की संपत्ति पर आपके फैसले बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया रहेगा। खरीद कर भी लाभ कमाएंगे, बेच कर भी लाभ कमाएंगे और बिचौलिए बनकर भी लाभ कमाएंगे। कुंभ राशि की बात करें तो सफलता प्राप्ति का दिन है। विद्या बढ़िया रहेगी बच्चों की। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेने जा सकते हैं। व्यापारी लोग व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से लंबी यात्रा पर जाएंगे। खिलाड़ी लोग अपने खेल में बढ़िया करेंगे। उम्मीद से ज्यादा अच्छा दिन बीतने वाला है। आजीवन साथी के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेम पूर्वक चर्चा होगी। परेशान व्यक्तियों की आप मदद कर पाएंगे। मानसिक तनाव से संतुष्टि मिल जाएगी। अच्छे तरीके से आप काम करेंगे और आज पढ़ाई लिखाई में बच्चे आगे रहेंगे। कड़ी मेहनत करेंगे और कड़े रिजल्ट भी उनको मिलेंगे, यानी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कड़े रिजल्ट का मतलब बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपके भाई बंधुओं से रिश्ते बढ़िया रहेंगे। विदेश से लाभ मिल सकता है। बात करेंगे मीन राशि की तो आज आप अपने तनाव और समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। आज का दिन परिवार और मित्रों के साथ आप आनंदित रहेंगे। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में भाग लेने जा सकते हैं। कोई नया वाहन खरीदने के बारे में सोचेंगे। माता पिता से धन की प्राप्ति होगी। आपके संबंध माता जी से शुभ बने रहेंगे। आपकी जमा पूंजी में आज बढ़ोतरी होगी। रुका हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। मित्रों के सहयोग से काम काज में सफलता मिलेगी। मुकदमेबाजी के कोई भी मामले हैं तो निपटाने के लिए सही सलाह मिलेगी। अनजान दोस्तों से दूर रहें। अनजान लोगों से दोस्ती ना करें और बार बार अपनी मूड को स्विंग ना करें। सामाजिक गतिविधियों में आज आप शामिल रहेंगे। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह बना के रखिएगा। खान पान के मामले का विशेष ध्यान रखिएगा। भावनात्मक यानी दिल से जुड़े हुए रिश्तों में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। हनुमान जी की उपासना करिए। भगवान सूर्य की उपासना करिए। दान पुण्य करिए। आज के दिन चावल का दान करिए, दाल का दान करिए, खिचड़ी का दान करिए और इसके साथ साथ तिल का दान करिए। या फिर आप वीडियो देखिए, जो आपकी राशि के अनुसार आपको दान बताए गए उनको करिए। स्नान करिए पवित्र नदी के जल से और आज के दिन को बहुत बढ़िया बनाइए। और ये जो रत्न हैं, इन रत्नों को प्राप्त करने के लिए L51 लिखिए और आज आपको इनके साथ विशेष जो भी लोग आज ऑर्डर करेंगे, अंतिम दिन है, उन्हें सूर्य यंत्र फ्री दिया जाएगा। नमस्कार।